तो काफी कमाल कमाल के बंडल दिया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में ये सारे बंडल मैं आप लोगों को निकाल करके दिखाने वाला हूँ, एंड उसके साथ साथ इस इवेंट में क्या किया जाता है, किस तरीके से ये सारा बंडल मिलता है, वो सारा डिटेल्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूंगा। तो मेरे भाई आज के वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री फायर के जितने भी लेटेस्ट अपडेट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आती रहती है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इवेंट का डेट बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये इवेंट कब से कब तक चलने वाला है। सो गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इवेंट 28 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और 3 सितंबर तक चलने वाला है। ओके सो गाइस, यहां पर आप लोग सबसे पहले प्राइज पूल देखिए। प्राइज पूल में आपको 5 एक्सक्लूसिव बंडल दिखाया जा रहा है और 5 काफी कमाल कमाल के बंडल जो इस इवेंट में मिलेगी, एंड इसके साथ छोटे मोटे भी प्राइज जो इस इवेंट में मिलेगी। ओके सो गाइस, इस इवेंट में बेसिकली क्या किया जाता है, अगर आप लोग ग्रैंड प्राइज लेना चाहते हो तो यहाँ पर अपना चांस बढ़ाना होता है। जितना ऊपर करोगे उतना डायमंड बढ़ेगा और उतना मिलने का चांस भी आपको बढ़ जाएगा। अगर आप लोग 100% रखोगे तो 500 डायमंड लिया जाएगा, और हम लोग 500 डायमंड लगा करके पहला स्पिन करते हैं, देखते क्या मिलता है। ओके और गाइज, यहां पर कंफर्म कर चुके हैं, और यहां पर मेरे को क्या मिला, यहां पर जो मेन बंडल था, मेन प्राइस था गाइज, वो 100% यहां पर मिल गया। ओके तो गाइज, यहां पर कंफर्म करेंगे तो गाइज आप लोगों को पता चल गया होगा, अगर आप लोग 100% कर दोगे तो यहां पर जो 5 बंडल दिख रहा है उसमें से कोई ग्रैंड प्राइज आपको दे दिया जाएगा। ओके तो यहां पर फिर से हम लोग अगर कम करके देखते हैं, 50% लकी चांस बढ़ा करके देखते हैं क्या होता है, 60% रखते चलो, उसके बाद हम लोग स्पिन करेंगे और यहां पर क्या मिला। ओके 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 ओके, यहां पर क्या मिला, ओ भाई साहब फिर से बंडल गाइस, देख रहे हो, मतलब यहां पर आपका लकी चांस कम भी रखोगे तो आपको मिलने का चांस रहेगा, बंडल मिल जाएगा। ओके लगातार मेरे को 2 अच्छे अच्छे बंडल मिल गए गाइस, अब मेरे को 3 बंडल और निकालना है। तो फटाक से हम लोग, अगर आप लोग और नीचे करके देखते हैं, अगर हम लोग 2% पर देखते हैं कि 2% में मिलता है या नहीं मिलता है, तो 2% में हम लोग से 10 डायमंड लिया जाएगा, और कन्फर्म करते हैं और यहां पर क्या मिलेगा। ओके गन क्रिएट गाइस, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, मतलब कम चांस में आप लोग काफी कम मिलेगा, तो और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 23% चांस रखते हैं, उसके बाद हम लोग स्पिन करते हैं, 115 डायमंड लिया जाएगा और यहां पर क्या मिलेगा। ओ भाई साहब गाइस, देखो बंडल मिल गया, फीमेल बंडल, मतलब यहां पर देख रहे हो, मतलब काफी कम यहां पर लकी चांस भी रखोगे तो यहां पर आपका बंडल मिल जाएगा। तो यहां पर 2 बंडल और बचा हुआ है, ये फीमेल बंडल और ये मेल बंडल, तो फटाक से हम लोग स्पिन करेंगे एंड देखते क्या होता है। और इस बार हम लोग अपना लकी चांस ना गाइस 50% रखेंगे। ओके और 50% का कितना डायमंड लिया जाएगा, 75 डायमंड। ओके कंफर्म करते हैं। ओके ओके क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। ओके गाइस, गन क्रिएट वगैरह मिल रहा है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये चिमकाने वाला इवेंट है गाइस, यहां पर अपना डायमंड वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर काफी कमाल कमाल के बंडल दिया जा रहा है और काफी कम डायमंड में बंडल दे भी दिया जा रहा है। ओके तो इस बार हम लोग रखेंगे गाइस, इस बार रखेंगे 40% चांस। ओके और 40% में हम लोग स्पिन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओके ओके यहाँ पर बॉक्स ओपन हो रहा है और गाइस यहाँ पर फिर से एक अच्छे बंडल फीमेल का दे दिया गया है, मतलब क्या चिमकांडीगिरी हो रही है, मतलब आज मेरा कितना लक साथ दे रहा है, देख रहे हो आप लोग भाई, काफी कम डायमंड में मेरे को 4 बंडल मिल चुका है, बस एक बंडल और निकालना है गाइस। ओ भाई साहब काफी अच्छा इवेंट है भाई, ये मिस्ट्री क्रिएट काफी अच्छा लगा मेरे को। फिर से स्पिन करते हैं गाइस और यहाँ पर फिर से 40 डायमंड के स्पिन करेंगे। ओके और यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्या मिला, बॉन्टी टोकन, देख सकते हो गाइस यहाँ पर प्राइज पूल में आप लोगों को इसके अलावा ये चिमकाने चिमकाने जैसा कि मैं आपको बोला था ये भी मिलेगा आपको, तो ऐसा कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5वां बंडल कब मिलता है मेरे को। ओके और इस बार हम लोग रखेंगे 11% गाइस, मेरे को लग रहा है कि 11% में कुछ मिलने वाला, 10% रखते हटाओ, और 10% का 50 डायमंड लिया जा रहा है। ओके 50 डायमंड देकर के कन्फर्म करते हैं और यहाँ पर क्या मिलेगा। ओ भाई साहब MP40 का गन क्रिएट गाइस, कहता है चिमकांडे वाली बात गाइस। इस बार हम लोग क्या करते हैं 100% डायरेक्टली बढ़ा देते हैं और यहां पर मेरे को ये बंडल देखना मिल जाएगा। ओके 500 डायमंड लगेगा और फाइनली मेरे को ये बंडल मिल जा भाई, मिल गया। तो गाइस क्या पता चला, अगर आपके पास 500 डायमंड है तो आप लोग लगा करके डायरेक्टली एक भी कोई बंडल ले सकते हो, ये चीज मेरे को काफी अच्छी चीज लगी। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को ये सारा बंडल दिखा देता हूँ कि ये बंडल कैसा है और आप लोगों को कौन सा बंडल लेना चाहिए। तो यहाँ पर आ चुके हैं बंडल वाले सेक्शन में। ओके गाइस यहाँ पर आप लोग बंडल देख सकते हो और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना मेरे भाई ये इवेंट आपको कैसा लगा और आपको ये 5 बंडल में सबसे ज्यादा बेस्ट बंडल कौन सा लग रहा है। ठीक है तो सबसे पहले आप लोग फीमेल बंडल देखो, फीमेल बंडल काफी ओपी लग रहा है, एंड हेयर की बात करें तो हेयर काफी ओपी है और ये क्या सिंह जैसा दे दिया है, चिमकांडी जैसा। और ये है हमारा टॉप और ये है हमारा बॉटम और ये हमारा शूज वगैरह, तो ये काफी अच्छा है मेरे को बंडल लगा गाइस। सेकेंड बंडल फीमेल का देखते हैं तो ये भी बंडल काफी ओपी है, हेयर कलर की बात करें तो चिमकांडी जैसा दिख रहा है, एंड गाइस यहाँ पर टॉप की बात करें टॉप वगैरह भी काफी ओपी है, बॉटम वगैरह भी काफी अच्छा लग रहा है, शूज सबसे ज्यादा मस्त है, शूज सबसे ज्यादा मस्त मेरे को लगा।
तो काफी अच्छे अच्छे फीमेल बंडल मेरे को मिला। अब मेल बंडल की बात कर लेते हैं, तो मेल बंडल आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई, ये क्या बंडल है गाइस, देख रहे हो? ओ भाई मास्क देखो गाइस, हो भाई साहब। इसके अलावा हम लोग टॉप देखते हैं, तो टॉप भी काफी ओपी लग रहा है गाइस। एंड इसके अलावा बॉटम की बात करें तो बॉटम उतना खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टॉप था वो ज्यादा मेरे को बेटर लगा। एंड गाइस ये वाले बंडल देखो, ये भी बंडल काफी ओपी लग रहा है, तो आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसका हेयर देखो गाइस, ओ भाई साहब हेयर सबसे ज्यादा मेरे को मस्त लग रहा है। एंड इसके अलावा टॉप की बात करें, टॉप वगैरह भी ठीक ठाक है बट उतना मस्त मेरे को नहीं लगा। एंड बॉटम वगैरह भी ठीक ठाक है। ओके तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा बंडल सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है। और सबसे लास्ट बंडल की बात करें तो आप लोग देख सकते हो, ओ भाई साहब क्या बंडल है गाइस, देख रहे हो? हेयर कलर की बात करें, हेयर डिजाइन की बात करें तो काफी ओपी लग रहा है। टॉप की बात करें, टॉप भी काफी ओपी लग रहा है। बॉटम की बात करें तो यहां पर देखो बॉटम सबसे ज्यादा मस्त मेरे को लग रहा है। इसका जो पैर में जो डिजाइन दिख रहा है ना गाइस, वो सबसे ज्यादा मेरे को मस्त लगा। एंड यहां पर शूज वगैरह की बात करें तो शूज वगैरह भी काफी ओपी है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा बंडल अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।